दोस्तों गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली फाइन. आई एम नॉट डूइंग परफेक्टली फाइन. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि कल से जो मेरे इस साइड का जो लास्ट वाला जो विजडम टूथ है वो ज़्यादा पेन करने लगा, जिसको हम हिंदी में अकल के डांट भी बोलते हैं. और ये जो पेन है वो थोड़ा और ज़्यादा हो गया. तो आपको आपको दिख रहा होगा कि जो इस साइड का जो पार्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा सूजा हुआ है. लेकिन मैंने जो दवाई है, दवाई मैंने ले ली है और उसके बाद आराम तो है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत है कि इश्यू जो है वो लग रहा है. तो अभी मैं जो मोबाइल में सर्च कर रहा था लुकिंग फॉर रेमेडीज़, मतलब कि क्या रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं. दोस्तों मैं रेमेडीज़ चेक कर रहा था कि ये जो पेन है उसमें क्या किया जाए. अगर आपके पास भी कोई अच्छा खासा कोई घर वाला आइडिया है तो आप बता सकते हो. जो सबसे पहले इसमें लिखा है कि सॉल्ट वाटर रिंस, सो हम सबसे पहले ये वाला ट्राई करेंगे. अभी मैंने ग्लास में नमक ले लिया है. अभी ये करके अच्छी बात ये है कि यहाँ पे दो नॉब दिए हुए हैं जिसमें गर्म पानी भी आता है, तो यहाँ से हम थोड़ा गर्म पानी ले लेंगे. गर्म पानी आ रहे हैं, सो आई थिंक अभी गर्म पानी हो गया तो उसको थोड़ा सा बढ़ देते हैं. थोड़ा मिक्स कर दिया है और अभी ये है सॉल्ट वाटर. अभी मैं उसको रिंस कर देता हूँ. तो दोस्तों अभी एक बार सॉल्ट वाटर रिंस करने के बाद थोड़ा काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है. सो अभी हम जल्दी से एक अच्छी सी चाय पियेंगे. आज कॉफ़ी पीने का मन नहीं है, सो आज चाय पियेंगे और उसके बाद हम बाहर जाके आते हैं अपना एक सरप्राइजिंग स्टोर पे लेके जाना है और एक सरप्राइजिंग चीज़ बताने की आप लोगों को. तो सबसे पहले वहाँ पे जाके आते हैं और फिर देखते हैं कि ये पेन का जो चीज़ है वो कितना क्या कितना रहता है और क्या रेमेडीज हम यूज़ कर सकते हैं. सो दोस्तों अभी हम तैयार हो चुके हैं और नाश्ता हमारा रेडी है. नाश्ते में कुछ खास नहीं करो, लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे है पोहा और चाय. सो पोहा और चाय ये दोनों चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम निकलेंगे अपने वाले स्टोर पे. दोस्तों अभी राइड हो गई है शुरू, और राइड तो नहीं बोल सकते, मतलब कहीं हम घूमने नहीं जा रहे और हम नहीं हैं, सिर्फ मैं अकेला वो इस बार और आपको लेके जाऊंगा एक शॉप पे, जैसे कि मैंने आपको बात किया था. और अभी अगर देखने जाए तो टेम्परेचर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है. अभी गर्मी पड़ना शुरू हो गया है. अभी हम नज़दीक पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन के. तो ये जो एरिया है वो है ऑन द एरिया, और ये एरिया अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही एकदम अच्छी तरीके से किया हुआ है. पूरा ग्रीन जोन के अंदर आता है ये पूरा जो एरिया है वो. अभी अपने को जाने का थोड़ा आगे आ
आ गई। Z50 है पर अपने पास है वो अडैप्टर है अपने पास, तो इसमें ऑटो फोकस है ना। हाँ ना, AFT वाली है। क्या है इसका प्राइस बता देंगे सर आप। तो ये अपने बहुत बहुत टाइम के बाद अपने ये शॉप पे आए हैं और बहुत टाइम हो गया। ये अभी कैमरा चेंज करके आपको बताते हैं। ये जो नया लेंस जो है वो टेस्ट किया जा रहा है और आप मेरे पीछे का जो जादू इफेक्ट है, बुके इफेक्ट, वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। अनबॉक्सिंग करेंगे इसका। सो ये है ट्राइपॉड। सो अभी लेंस, उसके ऊपर फिल्टर और उसके ऊपर अभी ये ट्राइपॉड के साथ जो मज़ा आने वाला है और ये जूम वाला मज़ा अभी आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है। इसको फिट कर देते हैं पहले और फिर उसके बाद आपको। सो अभी ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और ऑडियो के अंदर भी क्या डिफरेंस आ रहा है वो अपन देखते हैं उसमें कितना फ़र्क आता है। और एज यूजुअल हमारे अल्पेश भाई ने बहुत ज़्यादा खर्चा करवा दिया है। अभी हमें बहुत पूरा मैकेनिज्म चेंज हो गया अभी कैमरे का। सो देखते अभी इसका क्या फ़र्क पड़ता है अपने अगले टूर के अंदर। अल्पेश भाई, मैंने सब यहाँ पे सब पूरा मेरे घर की तरह पूरा अनबॉक्सिंग करके रख दिया है। बाय, एक बार फिर से आपको वीडियो में ले रहा हूँ। ओके, थैंक यू। चलो अल्पेश भाई, बाय बाय। और आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर भी विज़िट करना, क्योंकि क्या है कि जो यहाँ का जो कैमरे के इक्विपमेंट्स और जो कैमरा आपको मिल जाएगा वो आई थिंक पुणे सिटी में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये पूरा एक्सपीरियंस जोन है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप जो लेंस को लेना चाहते हो वो लेंस को आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, एक्सपीरियंस करके चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको पसंद आता है उसके हिसाब से आप लेंस ले सकते हो। सो दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट एक्सपीरियंस वेन एवर आई कम, मुझे यहाँ पर लगता है। तो लेट जस्ट गो एंड अभी आपको घर पर जाके बाकी की अपडेट्स जो है वो देते हैं। जो रीज़न था वो ये था, ये खटारा जिस तरीके से ये टूका है आप देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टूक गया है। वही रीज़न की वजह से अभी तक हम ये इसमें ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अभी पूरा क्लियर है। तो अभी अभी मैं यहाँ पे घर पे आया और अभी हम तपन के घर पे जा रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा दुख रहा है। तो वो जो रेमेडीज थी उसके अंदर दूसरा जो रेमेडी था वो लिखा था, जिसको हम अभी ट्राई कर रहे हैं। तो उसमें लिखा था कि अगर ये लॉन्ग है उसको अगर मुँह में रखते तो राहत मिलती है। तो अभी लेट्स सी कि ये लॉन्ग जो है वो हमें कुछ राहत दे पाए। तो इसको ऐसे ही खाने का होता है ना, वो मुंह में रखने साइड जहाँ पे दुख रहा है वहाँ पे मुंह में रखने का, उसका रस जो निकलेगा ना उससे दर्द कम होगा। तो दोस्तों
दोस्तों आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। खास कुछ इस वीडियो में था नहीं, लेकिन गाइज अभी भी जो पेन है वो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मैंने वो देखा कि जितनी भी रेमेडीज जो लिखी थी उसकी वजह से काफ़ी फर्क पड़ता है। और अगर मैं एक सीक्रेट रेमेडी की बात करूँ जो मेंशन नहीं थी, वो ये है कि अगर आप अपना मनपसंद काम करते हो, जो आपको पसंद है और जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और अगर वो काम आप करते हो, आप रेगुलर रहने की कोशिश करते हो, आप अगर थोड़ा 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 इग्नोर करने की कोशिश करते हो, तो क्या है कि वहाँ से भी तुम्हें थोड़ा अपलिफ्ट मिल जाता है, राधा दिन यू नो लाइक दुख रहा है ऐसा करके यू नो एक साइड पर बैठे रहना या सोते रहना, उससे ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करने से या कुछ कुछ अगर हो सकती है तो। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि हर एक पेन में ये होगा, लेकिन अगर हो सकता है और अगर हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आज मैंने एक्टिविटीज़ की और यू नो लाइक रेगुलर रहा, जैसा था वैसा, जैसे ही ऑफिस जाना था, जैसे ही सब करना था वैसे ही अगर रेगुलर रहा, तो मेरे को क्या है कि और ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं कॉम्बैट कर सकता हूँ। कई टाइम तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को दुख रहा है, लेकिन अभी जब जैसे ही मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो वो दुखना फिर से शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट व्लॉग में विद सम न्यू आइडिया एंड न्यू फीचर। हाँ, आप लोगों को जो इक्विपमेंट ली उसका अनबॉक्सिंग तो हो गया है वहाँ पे शॉप पे, लेकिन आपको पूरा रिव्यू जो है फुल रिव्यू वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिल जाएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, सी या एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।